सर मेरा नाम हिमायत अली है। कॉस्ट्यूम मैथोलॉजी आज से 20 साल पहले मैंने किया था। 20 साल बाद इकबाल भाई, हमारे इकबाल बख्श जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, महाबली के, उन्होंने वापस से मुझे ये मौका दिया कि मैं कॉस्ट्यूम में कुछ परफॉर्म करूं। मैं हमारे प्रोड्यूसर शंकर दादा का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे साइन किया इस फिल्म के लिए। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ी फिल्म बनने जा रही है और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। एक योद्धा है जो महाबली को हमेशा हराने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन हमारा जो महाबली, जो हमारा हीरो है, वो बहुत ही बड़ा योद्धा है। उसके सामने अच्छे अच्छे योद्धा कामयाब नहीं होते, लेकिन मेरा ये किरदार है कि मैं उसे बाद में ये कहता हूँ कि भाई ये बल से काबू में नहीं आने वाला, ये छल से काबू में आने वाला है। जो कह लो कि राजनीति से मैं उसे, छल से उसे पराजित करता। फिल्म के डायरेक्टर इकबाल बख्श जी है मेरे फेवरेट। उनके एक एक शॉट, भाई उनको पता है कि कौन सा शॉट कहाँ लगना चाहिए, उनमें काबिलियत है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। हम जानते हैं एक दूसरे को 25 साल पहले से, लेकिन काम पहली बार मैं उनके साथ कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अरे भाई बहुत अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। ये पहन के काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे इकबाल भाई ने कहा कि नहीं आप कर सकते हैं, मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया, तब जाके मैं ये किरदार करने के लिए राज़ी हुआ हूँ। अगर वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिलाते इकबाल भाई, तो मैं शायद ये कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकता था, क्योंकि 20 साल का अरसा, उसके बीच में मैंने कमर्शियल काफ़ी किए हैं, मेरी काफ़ी फिल्मों आपने देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, बट ये वापस से इसमें आना, माइथों में आना और कॉस्ट्यूम के साथ करना एक डायरेक्टर का ही काम हो सकता है। वो जब तक कि एक एक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगा, एक्टर नहीं कर पाएगा काम। प्रोड्यूसर हमारे गाय हैं सर। प्रोड्यूसर हमारे गाय हैं, रमेश व्यास जी। उन्होंने तो देखा भी नहीं है मुझे, लेकिन हमारे डायरेक्टर ने, हमारे जो को प्रोड्यूसर है शंकर दादा ने, उन्होंने सिर्फ हमारी पिक्स दिखाई, तो उन्होंने, व्यास जी ने मुझे कंफर्म कर दिया और मुझे फ़ोन आया बाकायदा कि भाई आप ये रोल कर रहे हैं। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ बहुत बहुत। मैं तो समझता हूँ कि इंडस्ट्री का शायद हर बड़ा एक्टर इस फिल्म में होगा। मुझे कुछ नाम याद है, पंकज त्रिपाठी है, देवगिल है, साउथ के जो विलन है, और सबसे बड़ी बात जो हमारा टाइटल रोल कर रहा है साहिल अख्तर, अच्छे, बहुत ही अच्छे किरदार में नज़र आ रहे हैं वो। उसके साथ साथ अमृता जी है और दीपक भाटिया जी है, हिमायत अली है। और नहीं रहने वाले, बिल्कुल रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म कामयाब भी होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि कैरेक्टर्स और एक्टर्स इसमें बहुत आने वाले हैं। ये हमारी फिल्म छोटी फिल्म नहीं है, एक लेवल पे आके रुकेगी, जिसको आप ये कह सकते हैं कि अभी जो फिल्म हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई थी, क्या कहते हैं वो, अर्जुन कपूर वाली फिल्म पानीपत है, तानाजी है, और दूसरी फिल्मों से इसकी तुलना हम कर सकते हैं, बस ये कह सकता हूँ। ऑडियंस से ये कहना चाहेंगे कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। इस फिल्म में वो सब चीज़ें हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं। एक्टर भी अच्छे हैं, कहानी भी अच्छी है, फिल्म का एक्शन भी अच्छा है, फिल्म का डायरेक्शन भी अच्छा है। तो ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार तो कम से कम आप इस फिल्म को देख सकते हैं।
फिर मुझे ये यकीन है कि आप दोबारा भी इस फिल्म को देखेंगे और अपने दोस्तों को भी लेकर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू।